आपने देखा ऊपर कैसा था, यहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल। लेकिन जो भी है, हम पहाड़ तो नहीं चढ़ सकते। वाह यार, ये तो कमाल का व्यू है यहाँ पे। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मेरा नाम है अमर और आज के इस व्लॉग में हम आपको मुंगल गांव की सैर करवाएंगे, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और ये जसिंगपुर शहर से थोड़ा सा ही आगे है। और चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है वो मुंगल विलेज की खूबसूरत गलियाँ। आज का मौसम वैसा का वैसा है जैसे कि कल था। बारिश थोड़ी हो रही है, थोड़ी सी ड्रिजलिंग हो रही है। और ये देखिए, यहाँ पे हरियाली बहुत ही ज़बरदस्त, आसपास जंगल भी हैं, घने जंगल। दोस्तों, मेरे को कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना कि आपको ऐसी लोकेशंस पे रहना पसंद है या नहीं, खासकर वो लोग जो शहरों में रहते हैं और बड़े बड़े सिटीज़ में, हाई पॉपुलेटेड एरिया में रहते हैं। ये देखिए इस गांव की खूबसूरती। यहाँ के हर घरों की छतें ऐसी ही होती हैं। और ये छोटा सा रास्ता जाता है हमारे घर को। नीचे जाना पड़ेगा। ओके। अरे वाओ, इसको क्या कहते हैं? ये किस चीज के लिए बनाया है ये हट जो बनी हुई है? ये पशुओं के लिए। अच्छा, पशुओं के लिए। यहाँ पे अंदर गाय रहते हैं, भैंस है। अच्छा, तो गाय अभी अंदर है कि बाहर ही है? अंदर। अच्छा, चलो दिखा देते हैं, ये बाहर से खुलेगा। तो गाइस, ये वो एरिया और जो कह सकते हैं वो पोर्शन जहाँ पे गाय और पशुओं को रखा जाता है। इस टाइम अंदर लाइट नहीं जगेगी ना। हेलो, पशुओं के लिए भोजन, ये गाय के लिए भोजन यहाँ पे रखा हुआ है। और ये छोटा सा जो रास्ता है, ये किधर जाता है? ये गांव की ओर। हाँ, गांव की ओर। ये भी गांव की ओर जाता है? ये। ओके। और ये साइड में ये जंगल है या कुछ फसल वगैरह? फसल ये लगवाए हुए। ये क्या चीज़ है? चिली, मिर्च। अच्छा, ये मिर्चें लगाई हैं? ये लीची का पेड़ है। ये कौन सा? ये वाला जिसमें येलो येलो कलर के लीव्स हैं, लीची का? लीची का। अच्छा अच्छा। और वो पीछे बनाना ट्रीज। ओके, ठीक है। चलो, ये तो मैं थोड़ा सा, मेरे को देखना था कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है। बहुत छोटा सा क्यूट सा रास्ता बनाया हुआ है। और दोस्तों देखिए, आज फिर से बादल पूरी नीचे तक आ चुके हैं और काफ़ी क्लाउडी मौसम हो चुका है और लग रहा है कि बारिश आज काफ़ी होगी। अभी तो थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन लेट्स सी कि आगे आज का दिन कैसा रहता है मौसम। अभी इस टाइम दिन के 2 बज चुके हैं और ये मौसम के हालात हैं यहाँ पे। कहाँ लेके जा रहे हो? चलिए यहाँ पे आगे चल पड़ो आप, यहाँ पे आगे ना व्यू बहुत अच्छा है। ओके चलो, ठीक है। अरे, ये रास्ते में चप्पल डालना ठीक है या मेरे को शूज़ डाल के आने चाहिए? शूज ठीक है। तो मैं जाके चेंज करके आऊँ? अच्छा, चप्पल से नहीं जा सकते ना? नहीं नहीं। ओके, और ये क्या? चलो मैं शूज़ डाल के आता हूँ। और घास है ना, ये क्या चीज़ बनाई हुई है? ये पहले घर हुआ करता था। अच्छा, ये पहले पुराना घर हुआ करता था और अभी इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया है? मैं अभी तो टूट गया ना, ऐसे छोड़ दिया, फिर नया बना दिया ऊपर। अच्छा, तो अभी ये बारिश की वजह से ये अभी टूटा है? ये पहले से ही टूट रहा है। नहीं, ये जो छत गिरी है ये पहले से गिर गई है। अच्छा, ये पहले से गिर गई थी। ओके, तो अभी इसमें पुराना सामान वगैरह रखा होगा, राइट? हाँ जी, ठीक है। ये जंगल तो मेरे को काफी घना लग रहा है अंदर, आगे से। आगे बहुत थोड़ा घना है, आगे ज्यादा घना है। और भी ज्यादा घना है?
तो मेरे को शूज़ डाल के आने होंगे, और पैंट भी डालूँ या पजामा डालूँ या यही ठीक है? पजामा ठीक है, पजामा। कुछ पता भी नहीं होता कि कांटे वगैरह लग सकते हैं। दोस्तों मैं थोड़ी देर में आया शूज़ डाल के और पजामा वगैरह डाल के, लोअर डाल के, फिर हम आगे जंगल की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों अभी हम गांव के बाहर जा रहे हैं थोड़े जंगल की तरफ, वहाँ थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी साथ साथ दिखाते रहेंगे कि कैसा व्यू है वहाँ से। आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये गांव कैसा लगा, ये वीडियो कैसे लगी, और मेरे को इस तरह का कंटेंट और बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। आगे हमें कितना जाना पड़ेगा? यहाँ कोई खतरा तो नहीं है जानवरों का? बड़े दोस्तों इस साइड में पहली बार जा रहा हूँ, मैंने खुद एक्सप्लोर नहीं किया ये एरिया। हाँ, और बारिश की वजह से ये पत्थर जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा स्लिपरी सा हो जाता है, वरना तो कोई चक्कर नहीं है। और मिट्टी भी गीली होती है। वाह यार, ये तो कमाल का व्यू है। यहाँ पे यहाँ खेती भी होती है? किस चीज की? हाँ अच्छा, और ये बैम्बू ट्रीज। यहाँ हरियाली तो बहुत बढ़िया है। और ये इतना बड़ा पेड़ किस चीज़ का है? जामुन। जामुन का? नीचे काफ़ी सारे जामुन गिरे भी हुए हैं ना। चलो आ जाओ। अरे ये तो बहुत ही खूबसूरत है यार, ये इतनी अच्छी ग्रीनरी, इतनी अच्छी हरियाली। यहाँ तो बंदा सारा दिन बैठ के, अगर धूप भी आ रही हो तो इन पेड़ों के छाव में बैठ के किताब लेके अच्छे से पीसफुली पढ़ भी सकता है। ना कोई शोर है, ना शराबा, और हल्की सी ड्रिजलिंग हो रही है। तो मेरे को बताओ ये जो घास है, तो काफ़ी घास बड़ी भी हो चुकी है, इसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता है? ये भैंस और गाय को चारा डालने के लिए। अच्छा, ये पशुओं को चारा डालने के लिए एज अ फूड भी इस्तेमाल किया जाता है, राइट? ठीक है। और ये मेरे को छोटा सा रास्ता भी दिख रहा है, आगे भी कोई जगह है जाने? आगे जंगल है? ये सारा ही जंगल है। ओके, ऊपर तक? हाँ ऊपर तक। ये पहाड़ियाँ दोस्तों आगे काफ़ी ऊंची हैं, लेकिन आज बादल से ये ढसी हुई हैं पहाड़ियाँ, तो ऊपर तक नज़र नहीं आ रहा होगा। लेकिन एनीवेज यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा और लाइट भी काफ़ी अच्छी शूटिंग के लिए। अभी हम आगे जा रहे हैं जंगल की तरफ, तो वहाँ देखेंगे वहाँ से कैसा व्यू आ रहा है, कैसी लाइट आ रही है। कुछ ज़्यादा डार्क हुआ तो वापस आ जाएंगे, क्योंकि थोड़ी बारिश भी स्टार्ट हो गई है, हल्की हल्की ड्रिजलिंग है अभी तो। लेकिन मैं तो काफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ यहाँ पर। आप भी डेफिनेटली ऐसे एरिया में ज़रूर आना। यहाँ आम भी बहुत ज़्यादा है, राइट? आम के पेड़ मैंने देखे थे पीछे, और काफ़ी ज़्यादा आम थे।
हाँ आगे और भी हैं, सही है। ये पहाड़ी काफी ऊंची है और ऊपर देखिए बादलों से पूरी घिरी हुई। कभी ट्रैकिंग की है किसी ने ये पहाड़ी पे आगे सामने? किसी ने नहीं की। ओके और ये तो आम का पेड़ है राइट, और छोटे छोटे आम गिरे भी हुए हैं नीचे, अंबियां। यार मेरे इधर क्या घूम रहा है, मच्छर। एक तो मच्छर मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। मच्छर तो यार मेरे आसपास, सिर के आसपास, कानों के इर्द गिर्द घूम ही जा रहे हैं। यहाँ पे जंगल में ऐसे ही होता है आई थिंक, बारिश भी है ना तब भी तो ज्यादा ये एक्टिव हो गए हैं। और अगर काफी धूप भी होती होगी, ये लोकेशन कितनी अच्छी है अगर यहाँ पे तो छांव के नीचे बैठ के आप चिल करो, एंजॉय करो, मस्ती करो। आपने देखा ऊपर कैसा था, यहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल। लेकिन जो भी हम पहाड़ तो नहीं चढ़ सकते दोस्तों, देख सकती हैं ये भी आम के पेड़, ऐसा लग रहा है आम का बगीचा ही खड़ा कर दिया यहाँ पे। बट सब कुछ नेचुरल है यहाँ पे। और ये छोटे छोटे आम यहाँ पे गिरे हुए ऑलरेडी जो पक चुके हैं। और अभी हम घर की तरफ वापस जा रहे हैं, फिर वही जंगल के रास्ते से होते हुए, और इसलिए वापसी क्योंकि बारिश थोड़ी और ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, तो जिससे मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें भी पानी ना चल जाए ये भी डर है। वीडियो में इतना शो नहीं हो रहा होगा कि बारिश ज़्यादा हो रही है, लेकिन हमें फील हो रहा है, हमारी शर्ट एकदम गिल्ली हो चुकी है। लेकिन काफ़ी मज़ा आया छोटी सी ये क्यूट सी ट्रैकिंग करके, वो भी घर के पास। मैं तो यहाँ फिर दोबारा आऊँगा, मौसम और अच्छा होगा फिर तो। यहाँ पे सोच रहा हूँ ये लोकेशन जो अभी मिली थी यहाँ पे, पहले मैं क्यों नहीं आया। अभी यहाँ पे मैं पूरा खाना वगैरह पैक करके फैमिली के साथ यहाँ पे पिकनिक स्पॉट मनाने आएंगे। तो दोस्तों अभी हम वापस अपने घर जा रहे हैं, और इसके बाद मैं आपको गांव की भी सैर करवाऊंगा। गांव के अंदर जाएंगे और इनका कल्चर, हेरिटेज, क्या 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 फूड होता है, वो सारी डिटेल में उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। आप लोगों ने ये ज़रूर देखते रहते होंगे यूट्यूब पे, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, कि बहुत सारे रिमोट एरियाज होते हैं जैसे कि लाहौल स्पीति में है कुंजुम पास हो गया, कॉमिक विलेज, लांगजा विलेज, और लेह लद्दाख साइड हो गया। लेकिन वहाँ के एरिया तो आपने बहुत एक्सप्लोर कर लिया, वहाँ का कल्चर देख लिया, लेकिन कुछ और भी ऐसे एरियाज हैं हिमाचल प्रदेश में जो अनएक्सप्लोर्ड हैं और जिनकी लोग ज़्यादातर बात नहीं करते हैं। जैसे कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे छोटे छोटे गाँव हैं और जहाँ की इतनी बात नहीं की जाती, लेकिन बहुत खूबसूरत है अगर वहाँ पे आया जाए, स्टे किया जाए, और बहुत ही एडवेंचरस ट्रिप वहाँ पे भी हो सकता है। मेरी तो शादी यहीं हुई है,
तो इस वजह से मैं यहाँ आता रहता हूँ और मेरे को इन एरिया के बारे में पता है। तो जैसे कि ये गांव चेली मुंगल जो कि जसिंगपुर से कुछ 10 किलोमीटर आगे है, और यहाँ पे आसपास के जो पॉपुलर डेस्टिनेशन एरियाज़ हैं वो हैं बैजनाथ, धर्मशाला, मैक्लोडगंज हो गया, बरोट हो गया, बीड़ बिलिंग हो गया। अरे मेरे को नीचे से जाना है, मैं नीचे से आऊँ? हाँ, तो मैं क्या कर रहा था, बरोट हो गया, बीड़ बिलिंग हो गया, जोगिंदर नगर हो गया पैराग्लाइडिंग के लिए बिलिंग, पालमपुर हो गया, बैजनाथ हो गया। तो ऐसे यहाँ से ये सारे जो मैंने एरियाज बताए लगभग 1 या 2 घंटे की दूरी पे ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं। हेलो दोस्तों, तो अभी वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है, और हम रेकमेंड नहीं करेंगे कि जुलाई मंथ में आप हिमाचल में आइए, क्योंकि लैंडस्लाइड्स और मॉनसून का काफ़ी ख़तरा रहता है। और हम और भी व्लॉग्स लेके आएंगे मुंगल विलेज और हिमाचल के कल्चर के बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, टाटा, बाय बाय।